नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं नया साल यानी कि 2023 हम सभी के लिए कैसा जाने वाला है। नए साल की शुरुआत होते होते या दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आते आते बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनते हैं, बहुत सारे चेंजेस हम लोग अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं। वो चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन इस बार 2023 की शुरुआत में कुछ ऐसे अगर आप रेजोल्यूशन बनाए जो काफ़ी रियलिस्टिक हों, अचीवेबल हों, जिनको हम मेजर कर सकें कि कितनी हमने मापदंड उनका होना चाहिए कि जिससे आप समझ तो पाएँ कि किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को एक बटोर के आगे बढ़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, कितना आपने जो रेजोल्यूशन बनाया था उस पर आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये मेजरमेंट अगर नए साल में कर लिया जाए तो आई थिंक लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मानसिकता में, कॉन्शियसनेस में, हेल्थ एस्पेक्ट में, सभी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आपके लिए साल के शुरुआत के 6 महीने कुछ करें ना करें लेकिन दो चीज़ें तो ज़रूर कर पाएंगे। एक तो आपकी मानसिक संतुलन बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी या रिलेशनशिप में गहराई या डेप्थ या वॉर्म्थ आप बढ़ते हुए देखेंगे। साथ ही साथ रोज़गार के बेहतर अवसर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे। और एग्जिस्टिंग अगर सिचुएशन में आपने हाल फिलहाल में अपनी नौकरी या तो चेंज करी है या बिजनेस व्यापार का विस्तार किया है तो वो भी अब आपके लिए पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर 2022 आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ाता रहा है और फालतू के आपके खर्चे होते हैं कि आपको महीने के अंत में पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ गए, तो अब 2023 आपके लिए सेविंग्स कराएगा। रिश्तों में गहराई के साथ साथ पॉजिटिविटी, और वो पॉजिटिविटी आपको बल देगी या आपको प्रेरित करेगी नए चैलेंजेस को आपको फेस करने के लिए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंटली 2023 आपके लिए पॉजिटिव दिशा में आपको मूव कराएगा और आपके लिविंग स्टाइल या लाइफस्टाइल में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा।